तभी पता चलता है कि इसको पसंद आएगी। राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं निरेश शर्मा बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आज है देवठन, यानी कि जो गांव की जो लड़कियां, यानी कि कल देवठन था, जब गांव की जो लड़कियां होती है दोस्तों वो जाती है गांव में और दीवारों वगैरह पर कुछ लिखती है, मिट्टी गेरी जिसे हमारे लोकल भाषा में कहा जाता है उससे। तो इसके बाद दोस्तों वो कुछ चावल वगैरह या खाने के आइटम वगैरह भी इकट्ठी करती है, यानी कि कुल मिला करके बात यह है कि आज पार्टी करने वाले हैं तो हमें भी बुलाया गया, तो मैं अभी फिलहाल उधर जाने वाला हूँ और देखते हैं दोस्तों क्या सीन रहता है। ये देख सकते हो आप हमारा गांव और ये खलिहान दोस्तों पुराने और जो कि उजड़े हुए हैं, क्योंकि आधुनिकता की इस दौड़ में दोस्तों लोगों के पास टाइम ही नहीं इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए। बट यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा तो इसलिए यहाँ पे एक दिल से दोस्तों एक लगाव है जुड़ा हुआ। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों ऊपर तक व्यू, ये देखिए सामने का व्यू, ये हरे भरे खेत भाई, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे खलिहान, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे जब छोटे होते थे, तो ये दोस्तों बाउंड्री होती थी और यहाँ पे जो इन्जॉयमेंट आता था दोस्तों किसी स्टेडियम से कम नहीं होता था पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे। बाकी मौसम भी दोस्तों आज थोड़ा थोड़ा बादल वाला दिख रहा है आपको। ये रहा दोस्तों बंदा यहाँ पे, विनोद जी जो कि शिकारी है, शिकार करने आते हैं यहाँ पे। हाँ, शाइल वगैरह और क्या क्या मारते हैं जो हाथ लगे। और ये रहा बंदे का यहाँ पर कुत्ता जो कि काफ़ी फास्ट है, इसको गुफा वगैरह या कहीं पे भी शिकार करने का इसको पूरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे घर गिरा रखा है, स्लेट आप नीचे देख सकते हो पत्थर, और आधुनिकता की दौड़ में दोस्तों आजकल लेंटर ही डल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये भाई मेरा छोटा सा प्यारा सा गाँव शिया, ये देख सकते हैं यहाँ पर गिने चुने घर है, 12 से 15 घर हो गए दोस्तों, मकान कच्चे पर यहाँ पे जो सुकून है ना रहने में के लिए वो किसी जन्नत से कम नहीं है। आप सामने देख सकते हो श्री गुरु महाराज का मंदिर, और हम जिस जगह यहाँ पे खड़े हैं वहाँ से दोस्तों पूरे गांव का यहाँ पे जो व्यू है वो कैप्चर होता है। हमारे पास कोई ड्रोन नहीं है बट हम यहाँ से कवर कर रहे हैं पूरे गाँव का व्यू, और आस पास आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हरे भरे खेत है जहाँ पे कि गेहूँ वगैरह लगा रखे हैं, और ये रहा सामने का व्यू, और आसमान में आज थोड़े थोड़े हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं, हल्की सी धूप लग रही है, उतनी तेज़ धूप भी अभी देखने को नहीं मिल रही है। ये रहा दोस्तों स्कूल जो कि हाई स्कूल हो गया, बट पहले ये क्या था, 8th तक हमने स्टडी यहीं से करी है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये रहा दोस्तों स्कूल, और स्कूल से ठीक नीचे सड़क, और ये रहा दोस्तों यहाँ पे सामुदायिक भवन, इसके अंदर बंदे हैं गाँव के ही जो कि एकत्रित हुए हैं, और यहाँ पे आज महिला है सॉरी लड़कियाँ वगैरह कर रही है दोस्तों पार्टी, नहीं कि खाना पीना बनेगा यहाँ पे, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सामने में मंदिर दिखा चुका हूँ आपको ऑलरेडी श्री गुरु महाराज का। तो भाई अभी जा रहे खाना बनाने के लिए, बर्तन कर रहे हैं दोस्तों इकट्ठे, तो बर्तन लाए गए बर्तन भंडार से। भाई ये आ चुके रसोईया और बना रहे हैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए, नीचे चूल्हा बना रहे हैं। तो भाई इस वक्त मौजूद हूँ सामुदायिक भवन में, और जो लड़कियाँ हैं हो गई है दोस्तों सामान के लिए, और इस प्रेशर में लगाएंगे दाल पकाने के लिए, और इसको लगाएंगे गैस सिलेंडर पे। ये चाचा, तो ये है भाई हमारा तिरंगा जो कि छत पे लगा रखा है लोगों ने, और बाकी देख सकते हो छोटा सा प्यारा सा गांव, आसपास का व्यू। तो भाई यहाँ पे चूल्हे पे लगा रखे पकाने के लिए, डब्बे में चावल डाले हुए हैं, चावल के लिए पानी लगा रखा है, और दोस्तों यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं आसपास में, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो एकदम सुकून भरी लाइफ है, और आपस में दोस्तों बातें कर रहे हैं जब तक खाना रेडी हो जाता है, तथा लड़कियाँ जो सामान के लिए गई है वो वापस नहीं आ जाती है।
क्या हाल है सर? ठीक है भाई, इस बच्चे की हैंड चेक करने की आदत आप देख सकते हो कितना क्यूट है। ठीक है तो भाई अब फिलहाल यहाँ पे चावल के लिए पानी लगा रखा है और अंदर बन रही है दाल और यहाँ पे बैठे हुए पीछे बंदे और भाई इसके अंदर बन रही है यहाँ पे दाल। ये देखिए स्थिति आ चुकी है, इसके ऊपर दाल डाली हुई है। तो यार यहाँ पे हमारे जो चावल है वो पक करके रेडी हो चुके हैं और इनको दोस्तों इस प्रकार के छन्नी में अलग किया जा रहा है। तो भाई ये आ गई लड़कियाँ जिन्होंने जिन्होंने की यहाँ पे ला दिया है राशन सामान। हेलो गाइस, ये है भाई गुड़, ये है भाई गुड़। कितने किलो है? 8 किलो। ये तो ज्यादा लग रहा मेरे को। 8 किलो है? 8 किलो है। तो सामुदायिक भवन के बाहर दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो सुकून से दोस्तों यहां पे कटिंग हो रही है आलू की, जिसकी बनेगी दोस्तों सब्जी। ये बनती हुई दाल। तो भाई यहाँ पे लगा दिया जा रहा है दाल में तड़का। यहाँ पे चला हुआ है प्रोग्राम पूड़े को बनाने का, पूड़े बन रहे हैं पूड़े। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हो चुका है रॉ मटेरियल तैयार। ये रे मास्टर, ये सेकंड मास्टर। ये होते हैं पूड़े अपने तैयार, देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो भाई यहाँ पे बन रही है रोटी और चावल के साथ दाल और सब्जी भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकती है पहाड़ी लड़कियाँ स्ट्रगल करती हुई रोटी बनाने के लिए। सबसे पहले इसको इसके ऊपर पिरोया जा रहा है इस प्रकार से, आप देख सकते हो यहाँ पे बेलन के साथ। और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे भाई यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। किसी ने दाल बनाई, किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने चावल और कई लोग दोस्तों सफाई कर रहे हैं जहाँ पे कि बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। भाई आप पहाड़ों में देख सकते हो इस प्रकार के चूल्हे यूज में लाए जाते हैं, मिट्टी का चूल्हा है दोस्तों। इसके ऊपर बन रही है रोटी और नॉर्मली दोस्तों आपको हर एक घर में ऐसे ही चूल्हे देखने को मिल जाएंगे। और पीछे जो 200 बर्तन आपको दिख रहा है इसके अंदर स्पेशली पानी पानी डाल दिया जाता है गर्म होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी बेस्ट होती है। ये देखिए अंशु यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हुई लाइक पहाड़ी गर्ल। यहाँ पे देख सकते हैं आप गुड़िया, छोटी सी लड़की देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मधु, कम ऑन स्माइल। हालांकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा तो लाइट आपको देख सकते हो दोस्तों, रिफ्लेक्ट करिए उतना भी साफ नहीं नज़र आ रहा, बट कैमरे की मदद से मैं दिखा रहा हूँ। तो भाई फिलहाल रात के 7:30 हो चुके हैं और रात भी हो चुकी है और खाना बन करके रेडी होने के बाद दोस्तों यहाँ पे परोस दिया जा रहा है खाना। जैसे जैसे यहाँ पे गाँव के लोग आ रहे हैं, हालाँकि बहुत बड़ा गाँव नहीं है, छोटा सा गाँव है दोस्तों, लोग आ रहे हैं और उन दोस्तों उनको दिया जा रहा है खाना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।